assalamu alaikum my name is anasir and i am student of economics and finance i explain how to panel data work in uh, strata and what is panel data introduction of panel data and my group member is mamuna kamlin she is student of economics and finance from karachi university and the, uh, she work in this video video editor ठीक है सो आई एक्सप्लेन के कैसे के हम स्टार्टअप uh, um, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एक्चुअली पैनल डेटा होता क्या है ठीक है तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि पैनल डेटा कैसे हम पैनल डेटा होता क्या है ठीक है पैनल डेटा हमारे पास तीन किस्म के डेटा होते हैं ठीक है पहले डेटा क्या होता है टाइम सीरीज जिसे हम एक ही मुल्क के या एक ही टाइम का डेटा ले रहे होते हैं और उसके ऊपर अपना मॉडल रन कर रहे होते हैं सेकेंड हमारे पास होता है क्रॉस डेटा ठीक है क्रॉस डेटा क्या होता है कि उसमें हम डिफरेंट ची डिफरेंट मुल्क जैसे हम ले लें कि जी हम कलेक्ट uh, कर रहे हैं डेटा ले रहे हैं लेकिन तीन चार अलग अलग कंट्रीज़ के ठीक है तो ये क्या हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल डेटा यानी अलग अलग हम टाइम 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 या कंट्रीज़ को चेंज कर लें या चीज़ें कलेक्ट कर लें जैसे अगर हम सर्वे करते हैं तो वो भी हमारे ज़्यादातर क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है ठीक है उसके अलावा फिर थर्ड हमारे पास आता है पैनल डेटा अब पैनल डेटा क्या होता है पैनल डेटा एक्चुअली हमारे पास होता है कि दो चीज़ यानी पैनल डेटा क्या करता है कि टाइम सी, सीरीज डेटा और क्रॉस सीरीज डेटा को आपस में मर्ज करता है यानी उसको उस ऑब्जर्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करता है इंडिविजुअली एक्जेंबल करता है और इंटरवल करता है टाइम को ठीक है उसके बाद हम जानेंगे कि पैनल डेटा के एडवांटेजेस क्या होते हैं पैनल डेटा के एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि इसमें जो है इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ ग्रुप ये हर ग्रुप के इंडिविजुअल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा होता है ठीक है उसके बाद ये आपके वेरिएबल्स को और ज़्यादा इंफॉर्मेशन और ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाता है और उसको प्योरली टाइम सीरीज डेटा या क्रॉस डेटा के ऊपर आपको पूरी की पूरी आपके वेरिएबल्स को इन्फॉर्मेटिव बनाता है यानी उसकी पूरी की पूरी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है पैनल डेटा को पैनल डेटा जो है वो मेजर कर रहा होता है कि जो आपने डेटा लिया है वो स्ट्रेटिकली इफ़ेक्टिबल है या नहीं है क्रॉस सेक्शनल डेटा है या टाइम सीरीज डेटा जो दोनों हैं दोनों को वो डिडक्ट कर रहा होता है कि ये मेजर कर रहा है स्टेटकली इफेक्ट या नहीं पैनल डेटा का और एक और एडवांटेज uh, ये भी होता है कि पैनल डेटा जो है वो मैक्सिमाइज कर रहा होता है इस्टीमेटेड बाइस को ठीक है यानी बाइस bias, जो बाइसिस आ जाते हैं हमारे डेटास uh, में उसको भी वो मिनिमाइज कर रहा होता है उसके बाद हमारे पास आता है कि फिक्स्ड इफ़ेक्ट मॉडल क्या होता है अब फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल हमारा क्या होता है कि हम फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में का दूसरा नाम भी होता है जो कि है एनलाइसिस वेरियंस मॉडल ठीक है अब फिक्स इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है दोबारा से बता देती हूँ एनालाइज वेरियंस मॉडल ठीक अब इसमें क्या होता है कि रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर कोई भी रैंडम एक सीरीज लेकर वेरिएबल लेकर उस रैंडम वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर टेस्ट कर रहे होते हैं इफ़ेक्ट देख रहे होते हैं कि आई के ऊपर इफेक्ट क्या आ रहा है ठीक है इनका मेन मकसद भी यही होता है ऑब्जेक्टिव भी ये होता है कि ये लोग इफेक्ट देख रहे होते हैं इस्टीमेट कर रहे होते हैं कि किस किस तरह का इफेक्ट आ रहा है नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है या जो है आ, किस तरह से वो ट्रीट कर रहा है जो हम टेस्ट रेंडम इफ़ेक्ट लगा रेंडम वेरिएबल इसके ऊपर टेस्टेड कर रहे हैं उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि इसका सबसे बड़ा बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इस मॉडल में हम अजम्पशंस नहीं यानी फिक्स इफेक्ट मॉडल में हम अजम्पशंस नहीं देखते ठीक है अब हम जो है इसमें जानेंगे कि इसको फिक्स इफेक्ट मॉडल को हम इस्टाटा पर किस तरह रन uh, आउट करते हैं सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पैनल डेटा किस तरह हम रन करेंगे ठीक है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पैनल डेटा को हम डेटा uh, को पैनल डेटा में किस तरह कन्वर्ट करते हैं ठीक है उसके लिए हमें क्या करना है सबसे पहले स्टेटिस्टिक पे जाना है स्टेटस्टिक से हमारे पास एक uh, आएगा पैनल डेटा लिखा हुआ ठीक है उसमें एक उसी के एरो के ऊपर उस पर क्लिक करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें होगा हमारे पास सेट अप एंड यूटिलिटी उसी के सामने फिर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें सबसे पहला जो वेरिएबल है डेटा का वो हम सेलेक्ट करेंगे इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो है नेम पैनल डेटा का वेरिएबल का नेम क्या है तो हमारा पैनल डेटा का वेरिएबल का नेम है आइडिया ज़्यादातर लोग जो है आइडिया को ही और आइडिया आईडी में जो है वो कैसे वेरिएबल होते हैं जैसे कि हमने नंबर्स लिए हुए हैं बहुत सारे डेटा लिया हुआ है तो उस डेटा को हम एक नंबर दे देते हैं जैसे क्या हम वन से टेन तक हमने उस पर काउंटिंग लिख दी ठीक है तो वो हमारा आईडी बन जाता है फिर वो ये कह रहे हैं कि टाइम वेरिएबल हमें क्या लिया हुआ है टाइम वेरिएबल हमारा क्या है ईयर है ईयरली हमने लिया हुआ है स्टेड फिर वो हमसे आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने क्वार्टरली लिया है वीकली लिया है मंथली लिया है या ईयरली लिया है तो हमारा डेटा ईयरली है सो हम ईयर एर, पर क्लेक्ट क्लिक करेंगे और देन हम ओके कर देंगे अब हमारे पास एक मैसेज आएगा जो कि इसके स्क्रीन के ऊपर कि आपका जो वेरिएबल है वो स्ट्रॉन्गली बैलेंस है ठीक है मतलब हमारा जो डेटा है वो पैनल डेटा पर कन्वर्ट हो गया अब हम सेकेंड स्टेप क्या करेंगे हम अपना वेरी जो पैनल डेटा कन्वर्ट हो चुका है उसको उसके ऊपर फिक्स्ड इफेक्ट को रन करेंगे देन सेम स्टेप आप स्टेटस्टिक पे जाएंगे वहाँ से हम जाएंगे <coughs> पहले डेटा एंड पहले हम फर्स्ट पर गए थे लेकिन इस बार हम सेकंड नंबर के जो ऊपर लिखा हुआ है लीनियर मॉडल उसके फर्स्ट नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा कि पहला हमारे पास आएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल आप सेलेक्ट करें अब मैं जहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट कर रही हूँ ए एन एस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको तीन सेलेक्ट करने पड़ते हैं या दो कर लें आपकी अपनी मर्जी होती है ठीक है उसके बाद आप सेलेक्ट करने के बाद कहेंगे ओके और फिर वो आपसे पूछेगा कि जी आपने कौन कौन से जो है वो लेने हैं यानी आपने रेंडम इफेक्ट तो हम फर्स्ट इफेक्ट फिक्स्ड इफेक्ट सबसे पहले मालूम करें तो हम फिक्स्ड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो हमारे पास पूरा रिज़ल्ट निकल के आ जाएगा कि फिक्स्ड इफ़ेक्ट क्या होता है ठीक है इसमें हमें वो Uh, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो ज़ीरो है यानी ज़ीरो पॉइंट फाइव से कम है तो इस इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डेटा फुली कम्प्लीटली uh, क्या है सिग्निफिकेंट है ये तो हमने डायरेक्टली किया अगर आप कमांड के जरिए भी करना चाहें तो आपका कमांड अब यहाँ पर कमांड क्या होती है uh, इसकी पैनल डेटा की यानी अगर आपने उसके फिक्सड इफेक्ट तो उसका सबसे पहले क्या आता है एक्स टी यानी आपका एक तरफ से उसका कोड है पैनल डेटा का एक्स टी लिखेंगे ठीक है एक्स टी लिखने के बाद जो कि मैं करके ही दिखा देती हूँ आपको एक्स टी ठीक है उसके बाद आप रिग्रेस कर रहे हैं यानी रिग्रेशन ज़ाहिर है आपने रन आउट करनी है उसके बाद स्पेस देंगे स्पेस देने के बाद हम अपना डिपेंडेंट वेरिएबल फिर इस उसके बाद आप अपने तीन इनडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट कर लें सही है फिर हम इसके आगे देंगे एक कॉमा कॉमा हम क्यों देते हैं ताकि कॉमा ज़्यादातर इसलिए दिया जाता है कि उसके आगे हम जो भी लिखें तो वो एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं हम कुछ चीज़ अब उसके आगे हमने क्या मालूम करना है फिक्सड इफेक्ट तो हम एफ ई -E लिख देंगे जो कि फिक्सड इफेक्ट का शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे एफ़ ई -E, तो और उसके बाद हम कर देंगे डन तो हमारे पास पूरा का पूरा दोबारा से रिज़ल्ट कमांड के जरिए भी आ गया ठीक है अब हम जो है सेकेंड चीज़ हम अब हम जाएंगे अपनी स्लाइड पर और वहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास चीज़ आती है रेंडम इफेक्ट सेकेंड जो है हमारे पास क्या है रैंडम इफेक्ट अब रेंडम इफेक्ट क्या होता है रेंडम इफेक्ट का भी एक सेकेंड नेम है वो है कॉम्पोनेंट ऑफ वेरियंस मॉडल ठीक है अब कॉम्पोनेंट ऑफ वेरियंस मॉडल रेंडम इफेक्ट का सेकेंड नेम है ये भी सेम रेंडम इफेक्ट से ही आपको उसके नाम से ही पता है कि रेंडम इफेक्ट यानी रेंडमली आपने कोई भी एक सेलेक्ट किया वेरिएबल और उस वेरी उस सीरीज़ का आप इफ़ेक्ट देख रहे हैं दूसरी सीरीज़ के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं यानी टेस्ट कर रहे हैं जैसे हम आ, को रिसर्चर्स होता है ना तो वो अलग हर चीज़ को देख रहा होता है टेस्ट करके या इसके ऊपर मैं करूँगा तो क्या इफेक्ट आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा आउट ऑफ आएगा या जिस तरह दूसरे पहले हो रहे हैं उस तरह के आ रहे हैं ये किस तरह ये पूरा का पूरा टेस्ट करते हुए हम चीज़ों को देख रहे होते हैं और एक रिसर्चर का काम ही ये होता है कि वो एक चीज़ से दो और बहुत सारी चीज़ों को स्टडी कर रहा होता है वो बहुत सारी चीज़ों को मालूम कर रहा होता है ठीक है और ये जो है फ़िक्स इफ़ेक्ट का से थोड़ा सा साहैदा यानी डिफरेंट करके हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं इसमें जो है हम हंड्रेड परसेंट इसका रिज़ल्ट जो है सी आर डी पर इफ़ेक्ट कर रहा होता है एक्यूरेट कर रहा होता है और इसमें जो है इस्टीमेट करते हैं एंड टेस्ट करते हैं वेरिएबिलिटी बाउंड द ट्रीटमेंट इफेक्ट इन द चीप गोल ठीक है हमने इसका जो चीप गोल होता है वो क्या होता है कि रैंडम इफेक्ट वेरिएबल का रैंडम इफेक्ट देखना होता है जो ट्रीटमेंट देख रहे होते हैं हम कि इसका ट्रीटमेंट क्या है ठीक है और ये जो है इसका सेकेंड जैसे फिक्स इफेक्ट है वो बगैर आप एजम्पन्स के रन आउट करते हैं लेकिन रैंडम इफेक्ट को आप एक्जम्शन के साथ आपने इसको देखना होता है उसके एग्जम्शंस को भी पॉइंट ऑफ रखना होता है अब हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि रैंडम इफेक्ट के एडवांटेजेस क्या होते हैं ठीक है रैंडम इफेक्ट का सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है कि बेटर फिटेड मॉडल होता है सेकंड क्या होता है मॉडलिंग हैट्रोजीनिटी होती है इसमें ठीक है यानी रैंडम इफेक्ट जो है वो आपका ओवर ऑब्जर्वड uh, या फिर uh, बीच में से अगर कोई मिसिंग हो गया है वेरिएबल्स उसको आप वो uh, उसके ऊपर भी आप ना रेंडमलीफेक्ट कर देता है ठीक है हेडलिंग कॉ डेटा यानी यही बात कि रेंडम इफेक्ट आर यूजिंग फॉर एनालाइज को डेटा सच आर रिप्रेजेंट मेजर ऑन द सेम ऑब्जेक्टिव और डेटा लाइक पेशेंट वेन विद इन हॉस्पिटल ठीक है यानी जैसे कि आप जो हॉस्पिटल का होता है वहाँ पर पेशेंट्स के आ, हवाले से सारा डेटा कलेक्ट किया जा रहा होता है तो उस हवाले से भी रेंडम इफ़ेक्ट कुछ मिसिंग भी हो जाता है मेजर करना उसको मुश्किल होता है तो वो रेंडम इफेक्ट ईजिली उसको मेजर कर देता है सेकेंड इसके लिमिटेशन देख लेते हैं लिमिटेशन में क्या है कि इसके एजम्पन ऑफ नॉर्मेलिटी होती है यानी इसके एजम्प्शन जो हैं जो भी वेरिएबल है वो आपके रिज़ल्ट uh, है उसका एजम्पन से मैच होने चाहिए अगर वो नहीं हो रहे तो आपका जाहिर है कहीं ना कहीं आप मिस्टेक्स कर रहे हैं ठीक है यानी इसका रेंडम इफेक्ट मॉडल अज्यूम्ड एट द रेंडम इफेक्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए इफ़ दिस एजम्पन्स इज़ वेटिड इट कैन लीड टू बाइसिस या इन एफिशेंट पैरामीटर इस्टीमेट ठीक है यानी अगर आप आपका कोई भी एग्जम्पन इसके एजम्पन से मैच नहीं है और आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल नहीं है तो आपका अन बाइस हो जाएगा मॉडल में बाईसिस आएंगे और इन शफिसेंट हो जाएगा ठीक है उसके बाद है कम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है रैंडम इफेक्ट मॉडल कैन मोर कॉम्प्लेक्स टू एस्टिमेट दैट इंटरप्रेटेड यानी इसका इंटरप्रेट इंटरप्रेट करना इसको मुश्किल होता है ठीक है इसका सिंपल इफेक्ट जो है वो मॉडल ईजी होता है हम ईजिली उसको आ, कर लेते हैं लेकिन इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड सॉफ़्टवेयर की ज़रूरत होती है जैसे कि अभी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करें स्टाटा का ठीक है इसी तरह जो है आप इसके इंटरप्रिटेशन भी बहुत मुश्किल होती है उसके लिए भी आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो कि इसकी इंटरप्रिटेशन कर ले अब यहाँ पर हम दोबारा से इस्टाटा पर जाएंगे और स्टाटा से हम देखेंगे कि हमारा रैंडम इफेक्ट कैसे करेंगे ठीक है रैंडम इफेक्ट का भी आपको डायरेक्टली अगर करना है तो डायरेक्टली वही स्टेप है सेम ठीक है और यहाँ पर दोबारा से आपको मर्जी है जो आपने फ़िक्स इफेक्ट पर डिपेंडर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखें उसी पर कर लें या आप आप न्यू अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट कर लें जैसे कि हमने फिक्सड इफेक्ट में किए हमने जो है अभी रेंडम इफ़ेक्ट करना है तो सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है जी एल एस रेंडम इफेक्ट उसको सेलेक्ट किया और ओके okay कर दिया पुराना ही हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही अब अगर आप इसका भी कमांड के ज़रिए करना चाहते हैं तो कमांड का वो ई एक्स टी रिग्रेस आर ई जी ठीक है उसके बाद आप स्पेस देंगे अपने वेरिएबल्स को सेलेक्ट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट कर लिया हमने और फिर हमने एक दिया कॉमा और कॉमा देने के बाद अब हम पहले हमने क्या लिखा था एफ ई -E, आर अब हम लिखेंगे आर ई -E. ठीक है और उसके बाद हम कर देंगे इंटर और ये हमारे पास आ गया रेंडम इफ़ेक्ट मॉडल का रिज़ल्ट जिसमें हमारे पास पी वैल्यू आ रही है ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो सिक्स और हमारे आर स्क्वायर आ रहा है ज़ीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू नाइन यानी ये क्या कह रहा है आर स्क्वायर हमें क्या बता रहा होता है कि हमारी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल को सिक्सटी टू परसेंट एक्सप्लन कर रहा है ठीक है ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गए थैंक यू